त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हेड अफिस ये आज के नाबार्ड 12 तारीख 12th July 1988 जेखने नाबार्ड फाउंडेशन डे एक दिन आगे जदिव ओ नाबार्ड फाउंडेशन डे के लक्ष्य कर नाबार्ड विभिन्न रकम कर्मसूची नहीं प्रोग्राम हार कथा छो उदयपुर बागमाते कम्यूनिटी हले क्योंकि अपना जानें इदानी करोनार स्प्रेड एत बेशी द्रुत गति जाने गोमती जिला खूब अन्य संगे गोमती जिला खूब भीषण भाव असल और सेटार जो ओखानकार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट चेहे रिक्वेस्ट कराते प्रोग्राम गोमती ना करा तरज नाबार्ड ये जैगाते आगरतला त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हेडकोआर्टारे वनर फाउंडेशन डे उपलक्षे कर्मसूची इखने नाबार्ड डिजिएम पी के मोहम्मद जी त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन आदेश ग्रामीण बैंक चेयरमैन साहेब आनी ऑल ऑफिसर्स नाबार्ड एवं विभिन्न बैंकार्स सबाई एखे आज के उपस्थित आलोचना होतुटुकू बोलते परि जेटा ना कि खूब बेसि इम्पर्टेंट सारा भारतवर्षे से संगे राज्य जे कृषक मानुष के क्यों शक्तिशाली करा जाए अर्थनीति दिखे अपना जान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जी भीषण डकुमेंट्स दल एक कथा बला जे राज्य के मानुष के जरा ना कि रोजगार विहीन सब परिवार के रोजगार आवता आना ये रोजगार अर्थ यही छिल ना जो प्रत्येक सरकारी चाकरी रोजगार बढ़ाना जाए विभिन्न स्कीमें तो कृषक कृषक मत पा जरा गोटारिक जरा फिशारिज करें जरा एआरडीडी विभिन्न व्यवसा करें गोटारी डायरि शुरू कर तर समस्त इ सपोर्ट देवा जाए भारत सरकार अनेक स्कीम मध्य नाबार्ड नाबार्ड गत 19 कोटी 540 कोटी टाकार मत ए राज्य विभिन्न स्कीमे हमारे राज्य उन्नयन व्यय कर এখানে প্রচুর প্রজেক্ট আছে অনেক যেমন আত্মনির্ভর করে বানানোর জন্য ভারত সরকার প্রায় 4,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে যেখানে এই রাজ্যের মানুষের কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেক্টর তাদেরকে উপকৃত হবে তো এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আজকে নাবার্ড এই তাদের ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে এখানে বিভিন্ন যারা গ্রামীণ ব্যাংক ওনাদেরকে ওনার বিভিন্ন ইয়েতে বিভিন্ন স্কিমে तो सेंक्शन लेटर त्रिपुरा कोऑपरेटिव बैंक शुरू कर फार्मार्स क्लाब बागमा विभिन्न फार्मार्स ऑर्गेनाइजेशन के तरह विभिन्न स्कीमर मध्य तक जाते काज करते पारे फार्मार्स साथे काज करते पारे अनेक अनेक सेंक्शन लेटर आज के एखाने देवा हुए सर्वोपरि एतटुकु आलोचना हुए कि समस्त सेक्टर नाबार्ड बैंकार्स एग्रिकल्चर स्टेट गवर्नमेंट আদার্স সব এক যুগে কাজ করে যাতে এই আমাদের লক্ষ্য 2022 সালে সমস্ত কৃষকদের যাতে ডাবল ইনকাম করা যায় যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ঘোষণা সেটাকে রাজ্যের কৃষকরা যাতে কাই করতে পারে এই লক্ষ্যে সমস্ত একজোটে অ্যাক্টিভ প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আমরা সেটা করব এটাই দীর্ঘক্ষণ আলোচনা বিভিন্ন ধরনের